अरे अंदर ही अरे फंसी रिश्तेदार नु काम ना चल रहा, तुमड़ी बेबे ने खींच फाड़ भाई ना लगे। अरे मेरी बेटी रे मामा छोड़ दे जी, सास की चाल जा का है, सास की चाल ना हम घर तक है। ऐसा रोवे जैसे मर की हो वो। हाँ बता कत ही रखे नहीं अपनी बेबे ने अपने घर। उठा चल इसका तो यही ड्रामे है। हाँ चल रो मन्ना, सास रही तक ये मावा, चल घर का काम करने, खड़ी कर माने। क्या हमेशा भी यही ड्रामे भाई। आ जा मैं भीतर आ जा, क्यों पड़ोसिया ने तमाशे दिखा हुआ, अगली सास रही तक गई है। यो ना पसंद है उसका घर, और तुमने भी तो अपना घर बसाया, मैं छोड़ के ना आ रही अपना पियर। हाँ माँ यह भी सही का है, यह भी तो अपना अगली माई का छोड़का ही थी, यह भी तो बस आ रही है, नुकती हूँ अपनी गला रखेगी, बस आ लेते हूँ अभी। और चुपचाप दो टाइम की रोटी मिल रही है ना, खा ले, और जो तेरे यही ड्रामे रहे ना तो दो टाइम की रोटी भी ना मिले, समझा ले इसने मेरे बस की ना इतना ड्रामा देखना। अमा नूना रोया करते तना अपने सासरे तक खंदाई है, और नुकती रखेगी तू ना अपनी गला, अपने सासरे तक जाना है उसने एक ना एक दिन, तय इस तब बढ़िया इब्बे चली जाएगी। चला जा उड़े बैठ जा। अरे रिश्तेदार थम भी एक बे इसके बात होगी। अरे ले उमरी बेबे का जोड़ा ले जा, नहीं ना बहाना मिल जाएगा दोबारा आने का। ठीक करया। अरे आराम तले के जेमरी बांधना है। ठीक है ठीक है। तू एक बात बता, तुम माँ बेटी इतनी अड़ा अड़ा कर रो थे, मैं तेरा शमशाना में ले जाऊ था, तेरा मैं अपने घर आए ले जाऊ था। तो मैं तो अपने घर से अलग हो रही थी ना, तभी रो रही थी। अगर तुम होगे ना अपने घर से अलग, तब तुम्हें पता चल जाएगा, तब तुम्हें नानी याद आएगी। और मेरी मम्मी भी सही रो रही थी क्योंकि उनकी बेटी उनसे अलग हो रही थी, तो रोएंगी ना। रीते ढूंढ रहे भी ना करती जितने तुम ढूंढ रहे थे कह रही थी। अपना घर छोड़ के जाओगे ना दूसरा ही घर, तब तुम्हें पता चलेगा। माँ बेटी एक घंटे में मनेरी पार्टी हो। तुम्हारा क्या घटता है, तुम तो खींच के चल पड़े, ऐसे थोड़ी ना होता है। और तुम्हें है ना माँ की कदर करनी नहीं आती, ठीक है माँ की है ना कदर कर लिया करो, अभी तो रिश्ता हुआ ही है हमारा, और तुम अभी से मेरे साथ लड़ने लग गए हो। मैं भी तो कदर करूँ, मैं तेरी माँ की ईंट मारू हूँ। हाँ वो मैंने देख लिया ना क्या कदर करते हो तुम, अभी रास्ते में मेरे साथ लड़ते आ रहे हो, हर टाइम लड़ते रहोगे ऐसे ही आगे। लड़ता पड़ता हूँ ना चुपचाप करा चाल ले, मुझे नहीं रहना आपके साथ ऐसे ही करोगे तो, अभी रास्ते में लड़ पड़े आगे जाके पता नहीं क्या करोगे, मुझे नहीं रहना आपके साथ, मैं जा रही हूँ। मेरी सास सुगी क्यों ढूंढ रहे कर रही है, इसकी बात भी सही कहो थी, ये दानू माँ बेटी भी ढूंढ रहे पास है, इनका राखी मुंह दिखाऊंगा। चल तेजी मना कर लेनी पड़ेगी। पता नहीं गेट किसने खुले छोड़ दिए। अरे रुक 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 रुक, यहाँ कैसे आ गई तो दोबारा, अभी तो तुझे भेजा था उसके साथ। अरे तू चुप कर यार, मम्मी का है, मम्मी को बुला, तेरे को तो कोई बात बताने का कोई फायदा नहीं है। के मम्मी का बुलाओ, घर पर आना ना आए कि तुझे यूं बता दे। अरे तू मम्मी को बुला ना, कुछ ड्रामे कर रही है। अरे तू पागल वागल है क्या, इतने दिन से तो मैं तुझे संभाल रही हूँ और फिर संभालो तुझे। और तू ज्यादा मत बोल, तेरे को तो वैसे मैं अच्छी नहीं लगती, तू मम्मी को बुला, तू तो मुझे देख के वैसे ही रोती रहती है हर टाइम। मम्मी बुला, मम्मी को बताऊंगी मैं सारी बात। मम्मी आना एक बार देख ले मेंटल क्या करके आ गई, हराम कर रखा है मेरा तो। अरे पागल बेटा क्या बात होगी, मम्मी वो रास्ते में रहे, लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ और मुझे है ना बहुत तंग कर रहे थे, रास्ते में शुरू हो गए, रास्ते में लड़ने लगे, आगे जाके पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे, इसलिए मैं उनको छोड़ गई आगे। चल बेटा इसे बटेऊ को अपने क्या आग लगानी है, सब पता है इसके ड्रामे, सारे ड्रामे कर रही है यो, भेज दो ऐसे ना बस ना तो इसका घर। तू तो देख देख काम ना माँ बेटी है ना रोया है सारी बारे। अजय बेटा अरे चुप हो रे तेरी लड्डो रे, अरे चुप हो मेरी लड्डो, इतनी क्यों रोई रे। तुम दोनों नहीं चीन दोगे मुझे चैन से, चैन की रोटी थोड़ी ना खाने दोगे दोनों के दोनों, रोज के ड्रामे। चुप हो बेटा जी खंडे, अरे चुप हो बेटा। माँ देख लो मम्मी अभी इधर भी आ गई है। अच्छा तू मेरी छोरी का लड़ा था रास्ते में, क्यों क्या कह दी मनीषा। अरे ये कण लग रही सारा कसूर तेरा है। माँ या लड़ाई कर का पाली, मम्मी झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने आपको सारी बात बताई तो है। इसका मतलब मेरी बेटी झूठ बोल रहा है, इसी तो मैंने कुछ बात कही है माँ। मेहमान बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसा अच्छा लगे कि थोड़ा बहुत मजाक तो चली जावे।
भाभी आपको नहीं पता इन्होंने क्या बोला क्या नहीं, आप वहां पे भेज गया। मैं तेरे और तेरी माँ के सारे ड्रामे जानू, इब्से ना हो तुम्हारे साथ में। भाभी आप तो शुरू से चिढ़ते हो मेरे से, जब से इस घर में आए हो आप तो मेरे को शुरू से ही भगाना चाहते थे इस घर से, आप तो बहुत खुश थे। जुबान देख कैसे चल रही है कैचियों की तरह, ले जाओ नंदोई जी इसने। माँ तू ना बसने दे मारा घर, तुम इधर हटो, तुम्हें भी इसके साथ भेजू। माँ मैं नहीं जा रहा इसके साथ। चल तू अंदर, ना तो तेरी टांगा मैं काट दूंगी, चल। और तू भी जा चुपचाप, चल अंदर चल। बुढ़िया तूने मेरा जीना आराम कर रखा, दोनों माँ बेटियों ने, चल अंदर। मैं नहीं जाऊंगी। हराम कर दूंगी तेरा बिल्कुल, उस छोरी का घर बसन दे। और 50% नहीं माँ का ही हाथ होगा जो छोरी का घर न बसता, इतनी साइड मत ले उसकी। और तू नू चाहे क्या तेरी छोरी यहाँ पे आज तलाक ले गया, इतनी मुश्किल में तो उसकी शादी हुई है। तेरे ना दोनों टाइम की रोटी खाना पीना सब बंद कर दूंगी, या तो उसे मगरमच्छ के आंसू पूछ कर उसे समझाइया कि दोबारा ना आवे यहाँ, जा। और खुशी खुशी आओगी तो इस घर के दरवाजे खुल रहे हैं, ना तो कती ना खोल लूं, बोल दो उससे। छोरी उठ, ना संभाल दूंगी तने मैं, बटे की गाल चली जा, अरे घर कौन लग रही है अपना, घर का लड़ाई है रारी रोटी मैं ना रखू लू। चली जा बेटा, ले जा खींच कर। चाली बे सुन अपनी माँ की, बे माँ की बनाई थी देख ली ना तर अपनी माँ भी बना तड़ीगा लोटा, जब तर रोग डोंडरे कर रही थी इब तर तेनुगा, तू जा अपना घर बसा। सही कहो तेरी माँ, करता धरता मैं ही हूँ, अब तो जाकर अपना घर बसा लेंगे भी, विवाह की भी कोई जरूरत ना है। जाती बेटा चाली रोटी खा ले।